वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, हाजिर है नए वीडियो के साथ। आज हम कंपेयर करेंगे ओप्पो रेनो 3 प्रो, जिसमें वर्ल्ड का पहला 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लग के आ रहा है, वो भी डुअल कैमरे के साथ, विद रियलमी का X2 प्रो, कि रियलमी का अब तक का सबसे बेहतरीन बजट फ्लैगशिप फोन है। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले दोनों के प्राइस को देख लेते हैं। दोनों के 8GB 128GB वाले वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों का ही प्राइस सेम है, 29,999। तो चलिए दोनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन को हर बार की तरह 500 में डिवाइड कर लेते हैं, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, स्टोरेज, कैमरा और बैटरी। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो ओप्पो रेनो की स्क्रीन है 6.4 इंचेस की, जबकि रियलमी की है 6.5 इंचेस की। तो यहां विनर रहेगा रियलमी का X2 प्रो। अगर स्क्रीन टाइप की तरफ बढ़े तो दोनों की ही स्क्रीन है सुपर एमोलेड, तो दोनों ही यहां विनर रहेंगे। अगर दोनों की स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों में ही लगा है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट एंड द बैक, फिर से दोनों ही विनर रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस की, तो यहां काफी बड़ा अंतर आ जाता है। ओप्पो रेनो की स्क्रीन है 500 निट्स की, जबकि रियलमी X2 प्रो की है 1000 निट्स की। मैं इसका मतलब बता देता हूं कि जब आप बाहर बहुत ज्यादा धूप में हो तो 1000 निट्स की स्क्रीन आपको इजीली विजिबल कराएगी स्क्रीन को। ऐसा नहीं कि 500 निट्स कम होता है, लेकिन 500 निट्स से बिल्कुल डबल है 1000 निट्स। दिस शोज कि यहां पर रियलमी X2 प्रो विनर रहेगा। दोनों के स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो ओप्पो रेनो का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज का, जबकि रियलमी X2 प्रो का है 90 हर्ट्ज का। जो स्क्रीन टच रिस्पॉन्स है वो रियलमी का बहुत ही सुपर फास्ट और सुपर तेज है, तो यहाँ भी विनर रहेगा रियलमी का X2 प्रो। अगर दोनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो ओप्पो रेनो 3 प्रो में लगा है मीडियाटेक का हीलियो P95 का चिपसेट, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर काम करता है, जबकि रियलमी X2 प्रो में लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट, जो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर काम करता है। अब ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया दोनों के बीच में, क्योंकि हीलियो P95 तकरीबन बराबर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G के, और जबकि रियलमी में लगा हुआ है 855 प्लस। तो यहाँ पर किसी भी एंगल से बराबरी ही नहीं है दोनों के बीच में, यहाँ बहुत बड़ी लीड ले जाता है रियलमी का X2 प्रो। दोनों के CPU की बात करें तो ओप्पो में लगा है 2.2 GHz का प्रोसेसर, जबकि रियलमी X2 प्रो में लगा है 2.96 GHz का प्रोसेसर, तो यहाँ भी लीड ले जाता है रियलमी का X2 प्रो। स्टोरेज की बात करें तो ओप्पो रेनो आता है दो वेरिएंट में, 8GB 128GB और 8GB 256GB, जबकि तीन वेरिएंट में आता है रियलमी का X2 प्रो, 6GB 64GB, 8GB 128GB और 12GB 256GB। तो ज़्यादा वेरिएंट ऑप्शन होने की वजह से यहाँ भी विनर हो जाता है रियलमी का X2 प्रो। अगर दोनों के कैमरे डिपार्टमेंट की बात करें तो रियर कैमरा दोनों में ही सेम है 64 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का, लेकिन अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो ओप्पो रेनो में लगा है 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, मतलब डुअल कैमरा है जो कि वर्ल्ड का पहला है, जबकि रियलमी X2 प्रो का फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। तो रियर कैमरे में तो दोनों ही नंबर वन है, लेकिन फ्रंट कैमरे में बाजी मार ले जाता है ओप्पो रेनो 3 प्रो। अब जरा बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओप्पो रेनो की बैटरी है 4025 mAh की, जिसमें 30 वॉट वूक चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि रियलमी की बैटरी है 4000 mAh की, बराबर ही है तकरीबन, लेकिन वहाँ चार्जिंग स्पीड 50 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग है। तो बैटरी कैपेसिटी में तो तकरीबन दोनों ही सेम है, लेकिन चार्जिंग स्पीड में लीड ले जाता है रियलमी का X2 प्रो। लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट ले लेते हैं। टोटल 8 कंपैरिजंस में सिर्फ एक बार ओप्पो रेनो 3 प्रो विनर रहा, जबकि 7 कंपैरिजन में रियलमी X2 प्रो विनर रहा। आप पूरा कंपैरिजन देख ही चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि जिसमें आप पैसे बिल्कुल बराबर दे रहे हैं तो क्यों आप ओप्पो रेनो 3 में हल्की स्पेसिफिकेशंस ले रहे हैं। आप रियलमी X2 प्रो को चुनें और बेस्ट स्पेसिफिकेशन लें। रियलमी का अब तक का सबसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन है रियलमी X2 प्रो। यहीं अपना वीडियो फिनिश करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले टेक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।